मेरे यहाँ पहुँचने पर कुछ साथी कह रहे थे कि अगर इतने लोग इकट्ठे कहीं और हो जाए तो नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया तक दिखा देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा आंदोलन, कई महीने से, एक साल से आपका फसल का बीमा नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला, और उसके बावजूद भी ना तो सरकार जाग रही है, ना प्रशासन उस तरीके से मदद करता है, और ना ही जो मुख्य धारा का मीडिया है वो आपके साथ खड़ा है। ऐसे में उम्मीद आप सबको एक दूसरे से है, और इसी उम्मीद के सारे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैंने सभी साथियों की बात सुनी, जब मैं आया तो हम एक साथी रागनी गा रहे थे तो मैं पीछे बैठ गया। उस रागनी में वो साथी कह रहे थे, भाई किसान थे, कहाँ गए वो साथी, चले गए क्या? ये भाई आपके उसमें था किसान का, कुछ बोल रहे थे आप लास्ट में, थी बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे थे आप लास्ट में? किसान जो टेक थी आपकी वो क्या थी किसान की? हाँ, अब हरियाणा में चल लगी अपने किसान की मर्जी। हरियाणा में चल लगी अपने किसान की मर्जी, तो भाई किसान की मर्जी हरियाणा में, हरियाणा में नहीं चलनी चाहिए, पूरे देश में चलनी चाहिए, तब हालात बदलेंगे। और किसान के साथ साथ जो किसान बंधु के साथ हमारा मजदूर काम करता है, खेतीहर मजदूर काम करता है, मैं समझता हूँ कि जब आपकी इतनी चले मर्जी तो उसकी भी थोड़ी सी इतनी चलवा ले, क्योंकि मिल के ये साथी इस देश को चलाते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, पूरे देश का 135-140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। दुनिया के अंदर हमारा गेहूं हो और चावल हो और खाद्य पदार्थ जो है उनका निर्यात होता है, तब दुनिया का भी पेट पालन करते हैं। तो सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज कोई ये उस तरह का मामला नहीं है कि कोई हम बहुत लंबी बात रखे, हम तो इतना ही कहेंगे कि आज यहाँ पर हम कम बोले, और जो साथी बाहर बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब जगह आते जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पर ये मजबूती से आवाज उठे। यहाँ तो आप सारे मिलकर के उठा लोगे चौकटा में सिरसा में तो, लेकिन जब कोई चंडीगढ़ जाए, कोई दिल्ली जाए, कोई और दूसरे जिलों में जाए, तो वहाँ पर भी आपकी मजबूती से आवाज उठे, ताकि पूरा प्रेशर हम इस सरकार के ऊपर बना सके, प्रशासन के ऊपर बना सके। और बाकी 1.5 साल का किसान आंदोलन जो दिल्ली के चारों तरफ जिस तरीके से आप लोगों ने सबने मिल के घेरा, इस इलाके की बड़ी भूमिका उसके अंदर रही, और सरकार को तीनों जो कृषि कानून, काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। शहादत तो हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफलता भी मिली। तो इसलिए आपकी जो ये मेहनत है ये व्यर्थ जाने वाले नहीं है। हमारे साथी अभी कह रहे थे कि भाई जिस दिन 100वां दिन होगा हम कई लाख लोग इकट्ठे होंगे, तो इसी तरीके से आप पूरे हौसले से काम करिए, और सारे लोग आपको लगे ही हुए हैं, हमारे जैसे भी साथी अपने तरीके से बात रखेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। 750 करोड़ रुपए का जो आपका क्लेम है वो जल्दी से जल्दी आपके खातों में आए, और जिन मांगों को लेकर के आप बैठे हैं वो पूरी हो, और भविष्य में आपको फिर दोबारा ना बैठना पड़े। ये भी बात, हम हर मुद्दे को लेकर के बार बार बैठे। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, भाई गंगाधर शक्तिमान और शक्तिमान गंगाधर, मुझे हकीकत में नहीं पता है कि गंगाधर शक्तिमान ये है क्या मामला, लेकिन कभी कभी हम सुन लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इसी तरीके से मामला चलता रहता है, और लोग जो है जब सत्ता में होते हैं, मुझे लगता है मोटा मोटा इसका लबो लबाव यही है कि जब लोग सत्ता में होते हैं तो भाषा दूसरी होती है, जब विपक्ष में होते हैं दूसरी होती है, और यही आकर के फिर आपको सबको डाउट होता है। तो मैं तो देखो आपकी तरह साधारण किसान मजदूर फौजी परिवार का, और मैं भाई जिस समय यहाँ बोल रहे थे वो कह भी रहे थे कि भाई नेता 5 साल बाद आता है अपने वोट के लिए हाथ मिलाता है, ऐसा भी नहीं होता, सारे एक जैसे नहीं होते। अब मैं हूँ, मैंने कोई सिरसा से पार्लियामेंट नहीं लड़ना, मैं यहाँ पर सार्वजनिक घोषणा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ मेरी जरूरत पड़े, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया, कुछ
वो भी खिलाफ भी होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब आदमी कहीं से इलेक्ट होकर के आता है उसके लिए पूरा परिवार होता है। और जब हमें मौका मिला था तब हमने पूरी शिद्दत से वो भी करी, और आगे अशोक तंवर की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हर तरीके से खून पसीना बहाने के लिए आपके साथ है। बाकी ये भाई दुनिया है, धोखे तो आपको भी मिले, धोखे मेरे को भी मिले, धोखे आगे बंद हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो इसलिए सब पूरी मजबूती से, लेकिन हाँ जहाँ खड़े हो पूरी मजबूती से रहे और एक दूसरे का साथ दे, सफलता जरूर आपके बीच में आएगी। मैं एक बार फिर सभी साथियों को, मातृशक्ति को खास तौर से, क्योंकि चौकटा में जिस तरीके से इतनी संख्या होती नहीं है, सही कह रहे थे सारे साथी हमारे।